चार बार था बोल रहे What's up guys, this is Shubham Mahajan. So welcome back to my vlog. नेक्स्ट व्लॉग है, आज उत्तरायण है। उत्तरायण यानी सभी को पता नहीं होगा, लेकिन पूरे देश में इसे कहते हैं मकर संक्रांति। तो थोड़ा नॉलेज यहाँ पे पेल देता हूँ। मकर संक्रांति हर देश में सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए सभी देशवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सेकंड चीज, मैं रहता हूँ गुजरात में, तो गुजरात में इसे कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण के बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या चीज होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जब उत्तरायण का पर्व होता है तो यहाँ पे ढेर सारी पतंगें उड़ाई जाती है। तो आज उसी के बारे में पूरा व्लॉग करेंगे, पूरे दिन में मैं क्या कर रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो आज लेके उत्तरायण की मजा, जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। मैं हूँ एक्चुअल मराठी, लेकिन गुजरात में रहता हूँ, इसकी वजह से उसका देश और भेस दोनों अपनाना पड़ेगा मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद में जो उत्तरायण सेलिब्रेट होती है, जो पतंग का त्योहार होता है, वो कहीं इस तरीके से होती है। ये मेरे घर के पीछे की साइड है, आप देखो यहाँ पे एक लाइन है, दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पे अंबे माँ का मंदिर है, अंबाजी मंदिर कहते हैं उसे। यहाँ पे दान धर्म होता है। एक्चुअली ये क्या है, मकर संक्रांति एक दान धर्म वाला भी एक त्यौहार है। यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, जो एक्चुअली भिक्षुक होते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे सेवाएं दी जाती है, दान धर्म किया जाता है, उनके खाने पीने की चीज़ें दी जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पतंग का त्यौहार भी है, तो अभी शायद आपको दिखेगी नहीं, लेकिन शाम के टाइम पे आपको बहुत सारी पतंगें दिखेंगे, तो शाम का नज़ारा कुछ और होगा। कल है ना, मैं दो मास्क लेके आया था। एक्चुअली मैंने तो पहले भी मंगवाए हुए थे मास्क, तो कल मुझे एक ये एस अल्फाबेट वाला मास्क मिला था, और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि एक चेक्स वाला अच्छा सा एक मास्क लेके आता, और मेरी दीदी को मैं वो मास्क गिफ्ट करता हूँ। तो दीदी रिस्पॉन्स क्या है, देखो गोड़। मास्क के बारे में क्या बोला था, मास्क मुझे इस कलर का चाहिए था। देखा, लड़के भाई बहुत चौसले होते हैं कि मैचिंग चीजें मिलनी जरूरी है, मैचिंग चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन बंदों का ऐसा कुछ नहीं होता। एक सेफ्टी के लिए वीडियो बनाना था कि अगर हम लोग व्हीकल चलाते हैं, तो फिर उत्तरायण के टाइम पे अगर दूरी आती पतंग की डोर वगैरह गले तक, तो उसके लिए सेफ्टी का वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने बना नहीं पाया। तो इसके लिए मैंने मफलर पहना है, कि मफलर पहनोगे तो क्या व्हीकल जब चलाते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा देखा जाए तो बहुत खतरनाक उत्तरायण है इस बार की, इसीलिए खतरनाक है क्योंकि मेरा फोन गिर गया, तो उसका डिस्प्ले टूट गया है। तो मुझे लगा कि आज का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कृष्ण भगवान की कृपा है कि जिस वजह से मेरा ये फोन अभी स्टार्ट हुआ है, मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ। एक साइड से पूरा डैमेज हो चुका है फोन, और आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियोस करता हूँ इसमें, तो वो मेरे फोन के थ्रू करता हूँ। फोन डैमेज हो चुका है, लेकिन कैमरा अभी भी चालू है, अच्छी बात तो यही है। हाय, व्हाट्स अप, नीचे जाना है। हाँ, ऊपर जा। क्या नहीं है ऊपर ना, वो दीवा करवा दूँ। ओके बाय। अभी जस्ट मैं मिला ध्रुव की मम्मी से, और मैं अभी ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा तो बहुत सा अंधेरा है। ये जो देख रहे हो ये वाला ऊपर जा रहा है, हाँ इसके ऊपर है ना पतंग है एक, और वहां से इसे कहते हैं गुजराती में टुक्कल, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जो दिए जलाए हुए, मतलब एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर पतंग की डोर के ऊपर 7-8 इन लोगों ने कुछ बांधे हुए, जिसके अंदर दिया रखा जाता है, मतलब मीणबत्ती ऐसा कुछ होता है। गुजरात में ऐसा होता है कि जब पतंग उड़ाई जाती है इस मकर संक्रांति के दौरान, तो इसमें ऐसा होता है कि रात के टाइम पे भी बहुत सी पतंगें उड़ाते हैं, जैसे व्हाइट कलर की पतंग, उसके साथ ये सारे टुक्कल्स वगैरह लगे जाते हैं। ये जो हमारा व्लॉग है अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे गुजराती में कहते हैं वासे उत्तरायण। तो वासे उत्तरायण यानी जो उत्तरायण मेन गई कल, मतलब आज वाली, वो अगले दिन भी फिर से सेलिब्रेट होने वाली, तो उस उत्तरायण का हम लोग वेट करेंगे, उसका भी ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूंगा। Hey, what's up guys, this second day of the vlog. Actually, ये है कि उत्तरायण का जो सेकंड डे होता है ना, वो वासी उत्तरायण होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कल रात को ही बताया था। अब जो भी वीडियोस रिलीज यहाँ पे होगी वो सेकंड डे वाली वीडियोस रिलीज होगी, तो इसलिए इस वीडियो को इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं।
आवे आवे आम जो शुभम चार बानू धाबुल सॉरी गाइस, कल रात को मैं व्लॉग को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं देर रात को आया था मेरे दोस्त के घर से, तो आते मैं बहुत थक गया और मैं सो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कल ही इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मतलब ये जो लास्ट का जो कंक्लूजन था वो मुझे कंप्लीट करना बाकी था। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर रैपअप करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ओवर एंड आउट।